हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपको मैं दिखा देती हूँ क्या बन रहा है हमारे घर में, और अभी पूरी तरीके से शेयर करूँगी। पहले मैंने दिखा दिया है आपको कि भाई हाँ, आज हमारे यहाँ पे बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े। काफ़ी दिन से सोची थी ब्रेड पकोड़े बनाने का, गुड्डू को बहुत पसंद है लेकिन बन नहीं पा रहे थे, तो आज जो है फाइनली बन रहे हैं। तो मैंने पिट्ठी तैयार करके रख ली है, जिसमें नमक मिर्च वगैरह बना के रख लिया है, साथ में प्याज और हरी मिर्च काट के रख लिया है। तो बच्चे जो है प्याज वाला नहीं खाएंगे, और कान्हा जी को भी भोग लगाना होता है, तो पहले मैं बिना प्याज वाले बना दूंगी, बच्चों को भी लगा दूंगी और कान्हा जी को भी भोग लगा दूंगी। यहाँ पे बेसन ले लिया है, इसका घोल बनाना है, और ये और मैं दोनों मिलकर बना रहे हैं। हम दोनों ने सारी तैयारी साथ में की है, मतलब विपिन और मैं। धनिया वगैरह सब साफ़ करके साइड में ले लिया है, और यहाँ पे ये ब्रेड इस तरीके से तैयार करके रख लिए हैं। बस इनको बेसन में डुबोना है और फिर इनको कढ़ाई में डाल देना है, ये बनते रहेंगे। और यहाँ पे कढ़ाई में भी मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो ये धनिया साइड में काट के रख लिया। मैंने बच्चों को पूछा था धनिया मिक्स कर दूँ, धनिया ही तो है, कि नहीं मम्मी हमें सिर्फ आलू वाला चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसन में ब्रेड को डिप कर करके हमने कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया है। आलू में वही सिंपल मसाले लिए थे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस ये लिए थे। उसके अलावा जो प्याज वगैरह काट कर रखे हैं, वो जो दिखाए थे वो मिक्स करने हैं, वो लेकिन अभी करूँगी, पहले ये वाले बना दूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में जो है डाल दिए हैं सारे ब्रेड पकोड़े, चार ही आएंगे इसमें, चार से ज़्यादा आएंगे नहीं, तो इनको सेक लूँगी। और साइड में चाय की तैयारी भी कर लेती हूँ, ब्रेड पकोड़े हों या फिर पकौड़ियाँ हों, समोसे हों, इनके साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है चाय। चाय के साथ इनका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है, तो मैंने कहा चाय तो बनानी बनती ही है। तो यहाँ पर चाय बन रही है, चाय में मतलब अभी बननी शुरू हुई है, पानी गर्म करने रखा था, उसमें चाय की पत्ती, चीनी ये सब डाल दिया है, और इसको बनने देंगे और दूसरी साइड अपने ब्रेड पकोड़े चेक कर लेंगे। तो मैं और ये मिलकर ही कर रहे हैं, कुछ मैं कर रही हूँ कुछ ये कर रहे हैं। तो चाय मैंने बनने रख दी थी, इन्होंने ब्रेड डाल दिए थे इधर, तो अभी जो है इनको थोड़ा कच्चा उतार लेंगे, इनको दोबारा सेकना है। ब्रेड पकोड़े हमेशा मैं दो बार सेक कर बनाती हूँ, मुझे लगता है आप सब भी शायद दो बार ही सेकते होंगे, एक बार में वो स्वाद नहीं आता है। तो कच्चा उतार लिया था बेसन, उसके बाद अभी इन्हें जो है काट करके इस तरीके से दोबारा से मैं तेल में डाल दूंगी। तेल तो गर्म है ही, गैस कम पे की हुई है, कम कम पे सेकना ज़्यादा अच्छा रहता है, अंदर तक सिकता है। लेकिन थोड़ा जो आँच है मैंने बीच में मीडियम फ्लेम की थी, अभी जब गैस खाली हो गई, कढ़ाई खाली हो गई, तब बिल्कुल कम की थी, क्योंकि अगर आप कम पे, बिल्कुल कम पे सेकते हो तो वो सख्त होने शुरू हो जाते हैं, और तेज पे सेकते हो तो वो बाहर से सिक जाते हैं, अंदर से नहीं सिकते हैं। तो इनको जो है मीडियम फ्लेम पर सेकना चाहिए, चाहे पकोड़े हों, ब्रेड पकोड़े हों, कुछ भी आप बना रहे हैं, चाहे वो लौकी के कोफ्ते हों। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया है, अलट पलट लूँगी, फिर मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी और सर्व कर दूँगी। सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा दूँगी, भगवान जी मतलब कान्हा जी का, वहाँ मेरे सारे भगवान जी हैं, सबका भोग लग जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है कान्हा जी के लिए कुछ अलग से बनाना, स्पेशल बनाना, हालांकि वो नहीं खाते हैं, आप लोग बोलते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप भगवान को खिला रहे हो, भगवान थोड़ी ना खाएगा, मेरे को पता है वो अपनी उसके लिए होता है, मन के लिए। तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, मैं नहीं ये कर रहे हैं जो हमारी दुकान पर भी बनता था, पापा बनाते थे इनके, जिसमें नमक है, धनिया पाउडर है, गर्म मसाला है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, और उसके बाद जो है इसको मिक्स कर देना है अच्छे से, नमक है, तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें ये बोल रहे थे थोड़ा नमक कम रह गया है, मुझे नमक और डालना है, तो नमक अभी मैं और डालूंगी, लेकिन मैंने कहा चलो इसको तो मिक्स कर देती हूँ पहले, तो यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा था नमक ये बोल रहे थे, तो यहाँ पे नमक डाल दिया इन्होंने, और नमक डाल के भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी आपस में। ऊपर से पकौड़े वगैरह में ये मसाला डाल के खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, पकौड़ों में क्या ही नहीं, आप फ्रूट्स पर भी डालकर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स किया था उसमें। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था हम लोगों के में, मैं प्याज और हरी मिर्च धनिया मिक्स करूंगी। तो आलू में मसाले पहले से ही सारे ऐड हैं, अभी मैं सिर्फ इसमें डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब डाला है, और थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया है, अच्छा रहता है। और वैसे भी ये रात के इस समय बन रहे थे जब मैंने अपनी वीडियो का एंड किया था, उसके बाद ये बनाने शुरू किए थे। तो यहाँ पे ब्रेड हमने काट के रख ली थी, जिस साइज़, जिस तरीके से मैं ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ शेप में ना, कई बार मैं इसको तिकोना ना काट के सीधा बीच में ब्रेड में चक्कू लगा लेती हूँ, उस तरीके के भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको भी बेसन में डिप किया, और इनको भी मैं डाल दूँगी तो कढ़ाई के अंदर, मतलब ये डाल रहे हैं ये वाला काम इन्होंने ही किया था। तो बीच में क्या हुआ कि तन्मय को ब्रेड पकौड़े नहीं खाने थे, अब मैंने कहा बच्चा नहीं खाएगा, तो फिर मन नहीं मानता है, दोनों बच्चों के लिए करना होता है,
फिर मैंने एक आलू काटा, फटाफट बेसन में डाला और मैंने कहा चलो भाई इसको ये आलू के पकोड़े बना कर देते हैं, क्योंकि तन्मय को आलू के पकोड़े बहुत पसंद है। तो फटाफट एक आलू काटा गोल गोल वाली शेप में और बेसन मेरे पास घुला हुआ था ही उसमें डाला और फटाफट जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया। हाँ थोड़े से नमक मिर्च डाले थे क्योंकि आलू है बिल्कुल फिक्का ही होगा, तो थोड़े से नमक मिर्च डाल के इस तरीके से मैं इनको अब सेक लूँगी अलट पलट के दोनों तरफ से। और हुआ पता है क्या था कि तन्मय को गोल वाले शेप के आलू के पकोड़े ये लग रहे थे कि ये पकोड़े हैं ही नहीं, उसको ये नहीं खाने थे। तो फिर मैंने जो है मैंने कहा चलो भाई अब क्या करें, अब तो बन गए। फिर उसको लास्ट में हमने पराठा दिया सिंपल, वो बोल रहा था मुझे वही वाले पकोड़े वही खाने हैं जो मैं हमेशा बनाती हूँ, आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं सब्जी में आलू काट के डालती हूँ उस टाइप के। तो अभी जो है मैं इनको अलट पलट लूँगी, प्लेट में लेकर जाऊँगी। अब तक तो वैसे हम लोग ये सब कुछ खा पी चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है, लेकिन अफसोस की बात की तन्मय जी ने खाए ही नहीं थे, उसने एक खाया उसको उसी शेप के चाहिए थे। और यहाँ पर मैंने ये जो ब्रेड के पकौड़े तल कर निकाल लिए थे ना एक बार, जैसे मैंने बोला था कच्चे निकाल लेती हूँ, तो इसको मैं हल्का हल्का सेक लूँगी, ज़्यादा नहीं सेकूँगी, हल्का हल्का सा, अच्छे लगते हैं। आलू वाली की साइड से तो देखिए कितने कुरकुरे हो जाते हैं। तो अंदर लेकर चलती हूँ प्लेट, बच्चों ने खा लिया है, कान्हा जी का भोग लग गया है, मम्मी को देकर आऊँगी, मसाला डाल लिया है ऊपर से। सबसे बढ़िया मुझे इसमें जो आलू कुरकुरा हो जाता है ना वो अच्छा लगता है, जब ब्रेड हम काट के डालते हैं दोबारा से सेकते हैं तो वो आलू बढ़िया हो जाता है कुरकुरा कुरकुरा। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसे बने हैं, मैं भी खाती हूँ, इनको भी देने हैं, मतलब ये और मैं अभी खाएंगे लेकिन पहले मम्मी को देकर आती हूँ। तो ये अगले दिन का वीडियो है मॉर्निंग का, मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, अंदर तक लग गई है, बाहर से शुरू की है, कूड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं निकला है क्योंकि मम्मी जो है सुबह में एक बार झाड़ू लगा चुकी हैं और वो पोछा भी लगा चुकी है। मम्मी जब कान्हा जी की पूजा करती हैं, उनको स्नान कराती हैं, तो उसी टाइम वो है जो है नहाकर झाड़ू पोछा नहाकर बोल रही हूँ झाड़ू पोछा कर नहाती हैं, फिर कान्हा जी को स्नान कराती हैं, तो वो एक बार कर चुकी होती हैं। लेकिन वही है ना, दोबारा तो करना पड़ता है, बाथरूम बीच में है, फिर आना जाना, वॉश बेसिन पे हाथ धोना, ब्रश करना, तो फिर दोबारा से झाड़ू पोछा होता है, हालांकि इतना कूड़ा नहीं निकलता है। तो यहाँ पर बस मैंने कहा लाओ मैं फटाफट लगा देती हूँ, नाम हो जाएगा, हाँ भी दोबारा भी लग गई, क्योंकि पोछा जब तक हम दोबारा नहीं लगा सकते जब तक पूरे घर में झाड़ू ना लगे। थोड़ा बहुत कूड़ा निकला है और ये बच्चों का खड़ा हुआ है नहाने का, जो स्विमिंग पूल बोल रहे थे बच्चे, आप लोग पूछ रहे थे कितने का है, तो ये 600 का है। और मेरे बच्चों ने एक जगह से इसको वो भी कर दिया है, इसमें छेद वगैरह हो गया है तो उसको ठीक करना है, टेप दी है उन्होंने साथ में। तो बस मैंने जो है झाड़ू लगा ली है, फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा भी जैसे कि मैंने बताया था कि एक बार लग चुका है, पूरे घर में नहीं लगाती हैं मम्मी, मतलब झटपट वाला लगाती हैं, लेकिन साफ़ तरीके से बिल्कुल किचन में और इस कमरे में सुबह से 2 बार लग चुका है, और इस कमरे में कोई चप्पल पहनकर नहीं आता है शुरू से ही, क्योंकि ये वाला जो रूम है वो मेरे मंदिर वाला रूम रहा है जब से ये रूम बना है, तो इसमें चप्पल पहनकर कोई भी नहीं आता है। उस दिन मम्मी यहाँ पे कपड़े तय कर रही थी तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे नीचे रख के, मानती हूँ साफ है नहीं करने चाहिए, लेकिन देखिए मम्मी हैं इतनी बड़ी हैं, अच्छा नहीं लगता उनको कुछ चीज़ सिखाते हुए कि मम्मी यहाँ मत करो। आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे कपड़े नीचे फर्श पे फोल्ड करते हुए, मैं हमेशा बेड पे करती हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा उनको बोलना कि मम्मी यहाँ मत करो यहाँ करो, अजीब सा लगता है ना। पर चलिए आप लोग बोल रहे थे तो मैं बोल दूंगी उनको, आप लोग नहीं मतलब 2-3 लोग बोल रहे थे। और बस यहाँ पे मेरा जो पोछा है इस कमरे में भी लग गया है, और उसके बाद यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले मिर्च छोंकी जा रही है जो भटूरों के साथ छोंकी थी। तो एक दो कमेंट आ रहे थे कि रश्मि इस मिर्च के बारे में बताना, बहुत टेस्टी लगती है ये छुकी हुई मिर्च, आप में से बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, जो नहीं बनाते हैं एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर मिर्च का शौक है खाने के साथ खाने का आपके हस्बैंड को या आपके पापा को या ससुर को सास को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो तेल में जो है अजवाइन डाला है मम्मी ने, अजवाइन डालने के बाद इसमें जो मिर्च हमने काट कर रखी है वो डाली जाएंगी, तो यहाँ पे अभी मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। और उसके बाद सूखे मसाले जैसे कि हल्दी नमक ये 2 चीज़ डाल दी है, मिर्च तो ये है ही इसमें, बाकी कुछ और नहीं डाला जाएगा, सिर्फ नमक और हल्दी डाली है। आप कम तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ज़्यादा तेल का यूज़ क्यों किया है वो आपको अभी पता चल जाएगा। और कढ़ाई ये वही है रात वाली जिसमें हमने ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो मैंने कहा इसको खाली क्या करना, फिर पहले ये काम निपटा लेते हैं जो कढ़ाई वाला है, दूसरी कढ़ाई भी तो रखनी है, इसको भी साफ़ करना ही है, इसको भी खाली करना है, तो क्यों ना अपना इसमें दोपहर का कर लिया जाए पहले। तो यहाँ पर मिर्च ये जो है छुक चुकी हैं, आप इनमें ऊपर से भी हल्का सा नमक वगैरह डाल सकते हो, मिर्च तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे भी बहुत तेज़ वाली मिर्च थी,
पहले मुझे खाने के साथ मिर्च का अचार या मिर्च पसंद नहीं थी, लेकिन तन्मय के टाइम से मुझे जो है मिर्च पसंद है, मिर्च का अचार, मिर्च की ये मिर्च कढ़ी में भी मिर्च, पहले मैं नहीं खाती थी इस तरह से रूखा। उसके बाद यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहे हैं भरवा बैंगन, मेरे को बहुत पसंद थे शादी से पहले भरवा बैंगन, लेकिन शादी के बाद मेरे घर में मुश्किल से एक आधी बारी बने होंगे, तो मम्मी ने सारे बैंगनों में जो है पेट चीरना बोलते हैं वो चीर लिया है, चेक भी कर लिया है कुछ कीड़ा ना हो, और इधर मसाला भी तैयार हो गया है जो इनके अंदर भरा जाएगा, चोपर में तैयार किया है, ग्रेटर में भी कर सकते हैं, पेस्ट तो नहीं बनाना इसका मतलब मिक्सर में, वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, या तो ग्रेटर में करो या कद्दूकस करो या फिर आप इस तरीके से चोपर में करो। तो ये जो हमने प्याज वगैरह तैयार करके रखा है चोपर में, इसमें आप सूखे मसाले डालेंगे, नमक डाला है, लाल मिर्च डाला है, धनिया पाउडर डाला है और हल्दी डाली है, और अब इसमें गिरेगा अमचूर पाउडर, अमचूर डालना ज़रूरी है, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये सूखे मसाले डालने के बाद ये जो हमने साइड में थाली रखी हुई है इसके बैंगन एक साइड कर देंगे, और इसमें डाल लेंगे हम ये प्याज वगैरह मसाले वगैरह जो हमने इसमें ले लिए थे चोपर में, और इनको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको हम बैंगन में भर लेंगे। इस मसाले को आप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन हम मम्मी नहीं करती है तो मम्मी के तरीके से ही बन रहे हैं और बहुत ही झटपट वाले हैं। चोपर अगर आपके घर में है ना तो प्याज लहसुन अदरक दो मिनट तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ चलिए प्याज काटना धोना फिर उसको चोपर में करना 2 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद मसाला मिक्स करिए और इसमें बैंगन में भर दीजिए। बैंगन में भरने के बाद जिस कढ़ाई में हमने ब्रेड पकोड़े बनाए, मिर्च फ्राई की, उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे इन बैंगन को भी। जीरा डाला है पहले, जीरा चिटकने के बाद उसके बाद ये बैंगन डाल दिए हैं, और जो मसाला बचा है वो भी हम इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कढ़ाई हमने ढक दी है कढ़ाई को थाली से, और इसको चेक करेंगे 1-1.5 मिनट बाद। तो यहाँ पे देखिए बैंगन को हम चेक कर रहे हैं 1-1.5 मिनट बाद, बैंगन अभी नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तो डाले हैं, लेकिन चलाते रहेंगे इसको, देखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि बैंगन जो है बहुत जल्दी पक जाते हैं, चाहे आप आलू बैंगन भी बना रहे हो बहुत जल्दी गलता है बैंगन। तो फिर दोबारा से मैं इसको चेक कर रही थी तो अभी भी ये नहीं हुआ है, हल्की सी कसर है, तो फिर से मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी और थोड़ी देर में आकर चेक करूंगी। तो अभी जो बैंगन है वो काफ़ी हद तक गल चुका है, बस मैं इसको 1-1.5 मिनट और रखूंगी, उसके बाद हम रोटियां बना लेंगे। तो यहाँ पे प्लेट लगा ली है, रायता ले लिया है और मिर्च ले ली है छोंक वाली, और ये है बैंगन जो भरवा बैंगन बनाए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, बहुत ही इजी हैं, सिंपल हैं, जल्दी बनने वाले हैं। तेल का मैंने आपको बताया ही था, तेल आप कम भी यूज़ कर सकते हो, वो कढ़ाई में था तो इस वजह से हमने उसमें छोंक लिया, और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा चल जाता है मतलब भरवा बैंगन में, मैं कर लेती हूँ, अगर आप कम चाहते हो तो कम कर लीजिएगा। तो चलिए प्लेट अंदर लेकर चलते हैं, अंदर बैठकर खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। बहुत देर बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वीडियो तो मैंने शुरू कर दिया था सुबह से, लेकिन बात अब जाके कर रही हूँ, और मेरे ना बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे कल, पता नहीं क्या हुआ एकदम से खारिश मचने लगी, अभी तो बहुत कम हो रहे हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे शाम को। चुन्नी मैं ऐसे करके ओढ़ूंगी, ये दुपट्टा अच्छा है, बहुत सारे सूटों के साथ मैच हो जाता है। और लो ले लो, ये दोनों मांग रहे हैं फोन चाहिए, तो इन्हें देती हूँ फोन थोड़ी देर के लिए, वरना दोनों पीछे पड़े रहेंगे। और मम्मी लेटी हुई है उधर, बेटा लो क्या कर रहे थे मुझे दिखाओ, कॉपी के अंदर क्या है दिखाओ मुझे जल्दी, गुड्डू मैं बहुत पिटाई करूंगी, ये क्या हरकत है गुड्डू, गलत बात है, मैं दिखाती हूँ, दिखाओ गुड्डू मैं थप्पड़ लगा दूंगी, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। किचन में चलते हैं और मुझे दही जमानी है, काफी दिनों बाद मैं दही जमा रही हूँ, अभी आऊंगी देखूंगी गुड्डू, देखूंगी करो खराबी फेविकोल वगैरह इसीलिए ही है। तो दही जमानी है, ये जो मिर्च छोंकी थी वो है, ये बैंगन है, तेल ज़्यादा हो गया था तो साइड हो गया है सारा, सबने तेल हटा हटा के ही लिया है, तो वो जो एक्स्ट्रा था लास्ट में बचा वो, तो अभी ये दोनों चीज़ बाहर ही है। दही जमानी है मुझे, तो इसकी मलाई हटानी है, तभी जमाऊंगी मैं मलाई हटा कर। और जामुन देखती हूँ, मैंने अभी मंगाया था, तो पूछते हैं कि जामुन क्या होता है, जामुन और खट्टा, तो वो होता है जिससे हम दही जमाते हैं, वो दही ही होती है,
एक चम्मच दही को हम अलग कर लेते हैं, उससे हम जामुन लगाते हैं। तो चेक करना पड़ेगा जामुन है कि नहीं है। हाँ है, मैंने मंगाया था ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से दही नहीं जमा रही तो जामुन भी नहीं था। और फोन आ रहा है। और एक चीज़ देखूँ, ये किसी ने ना वो भेजी है लस्सी, लस्सी भेजी है उन्होंने, उनके यहाँ सूट गए थे, पिछली बार भी गए थे तब भी उन्होंने भेजी थी और अभी भी उन्होंने भेजी है। देखेंगे वो जब वो कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो कढ़ी का काम हो गया है। लेकिन अगर हल्की सी भी खट्टी होगी तो मम्मी नहीं खाएगी, मम्मी को कढ़ी जो है मिट्टी पसंद है, खट्टी दही या खट्टी उसकी पसंद नहीं है, मुझे खट्टी पसंद है, ज़्यादा खट्टी भी ना हो नॉर्मल वाली। तो थोड़ा सा तो ये गर्म करना पड़ेगा क्योंकि ठंडा हो गया होगा। तो गैस जला दी है, इसकी मलाई भी हटाऊंगी अभी, थोड़ा सा दूध और डालूंगी, इसकी भी मलाई हटाऊंगी, मलाई भी चलाने वाली हो रही है, कई दिन हो गए और जामुन बिल्कुल जरा सा है। किसने मारा? किसने मेरे होठ पे मारा? होठ पे? क्या मारा? क्या मारा? बटन तो बंद नहीं कर रखे। हाथ लग गया, लग गया। लगा नहीं ने मारा। वो लगा भूल से लग गया होगा, भूल से लग गया होगा। भूल से लगा या जानबूझ के? जानबूझ के या भूल से? जानबूझ कर मारा या भूल से? गलती से लगा या जानबूझ के? डकार आ गई। डक्कू। और सारे बटन खोल रखे, पता नहीं क्या बीमारी है। अब मैं पिटाई कर दूंगी, अब मैं पिटाई कर दूंगी अगर बटन नहीं लगे तो। गंदा। तो मैंने बनाया है सबके लिए दूध। पहले मैं दूध नहीं पीती थी लेकिन अभी मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है कुछ टाइम से, कुछ टाइम बोले तो 2 महीने के करीब बोल सकते हो। दूध मैंने कभी नहीं पिया, बहुत ही कम पिया है। मुझे दूध में से जो स्मेल आती है ना वो बहुत अजीब लगती है। बहुत तरीक़ों से मेरे मम्मी पापा ने पिलाना चाहा लेकिन मैं नहीं पीती थी, मैं रोती थी, किलसती थी। फिर मम्मी बोलती थी किलस के पिलाकर भी क्या फ़ायदा, रोकर मारकर डांटकर, कि वो लगेगा ही नहीं। लेकिन अभी जो है शक्कर वाला दूध पीती हूँ, ये भी मैं पी लेती हूँ मतलब एक सांस में, पसंद अब भी नहीं है। तो बस चलिए हम इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।